गाइज ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना आप सभी लोग को ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को एक ऐसे जेन्युइन मेथड के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप सभी लोग को ज्यादा कोई काम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी लोग को सिंपल कॉपी पेस्ट वर्क आता है तो वो काम करके आप सभी लोग इजिली यार अपना जो भी खर्चा है वो निकाल पाओगे। 10-15 हज़ार इजिली मंथली आप सभी लोग छाप लोगे, और थोड़ी और अगर आप सभी लोग मेहनत करोगे तो ये अमाउंट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बताया था कि आप टेलीग्राम की मदद से किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, 5 जेन्युइन मेथड। उस पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोग के साथ शेयर किए थे, और उस वीडियो में मैंने आप सभी लोग को यह भी कहा था कि अगर आप जानना चाहते हो कि टेलीग्राम चैनल किस कैटेगरी का बनाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ग्रो करे, और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कॉन्टेंट कहां से लाना है, उस चैनल को ग्रो कैसे कराना है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो भर भर के लोगों के कमेंट आए, और गाइस आपकी ही रिक्वेस्ट पर आज मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि आपको टेलीग्राम पर किस टाइप का चैनल स्टार्ट करना चाहिए जो कि जल्दी से जल्दी ग्रो होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करके देगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको एग्जैक्टली कंटेंट को कॉपी पेस्ट किस तरीके से करना है दूसरों के चैनल से अपने चैनल पर। एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको अपना चैनल किस तरीके से ग्रो कराना है, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीजें मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अगर अभी तक आप सभी लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें कि मैंने बताया था कि टेलीग्राम की मदद से आप अर्निंग किस तरीके से कर सकते हो, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना तो आपको सारी चीजें सही से समझ में आएगी। गाइस यार ये सारी चीजें तो होती रहेगी, लेकिन इस चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार विजिट करो तो यार नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा मेरे टी शर्ट की कलर का, तो यार जल्दी से उस बटन को दबा दो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ, चाहे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो, या फिर गूगल एडसेंस से रिलेटेड। तो मेक श्योर कि इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब मैं आप सभी लोग को बताता हूँ कि किस तरीके से आप सभी लोग को टेलीग्राम पर वर्क करना है, चैनल किस तरीके से बनाना है, चैनल को ग्रो किस तरीके से करना है, कैटेगरी को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, और कंटेंट आप सभी लोगों को किस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है। रिसेंटली वीडियोस में मैंने आपको जो भी लाइक एम दिए थे इजीली आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर दिए, तो इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे हम 350 लाइक्स। तो जल्दी से यार उस लाइक के बटन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग ये बात कर लेते हैं कि आपको टेलीग्राम पर किस टाइप का चैनल बनाना चाहिए जो कि भाई जल्दी से जल्दी ग्रो हो, ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग को कम टाइम पर अर्निंग करके दे। तो देखो यार अगर हम एक वे में देखें तो ज्यादातर मोस्टली जो लोग टेलीग्राम को यूज करते हैं वो 2-3 वजह से ही करते हैं। फर्स्ट किसी मूवी वगैरह को डाउनलोड करने में, अमेजोन वगैरह के प्राइम वीडियोस को डाउनलोड करने में, और नेटफ्लिक्स की जो मूवीज वगैरह रिलीज होती है उनको फ्री में डाउनलोड करने में, ठीक है, क्योंकि भाई टेलीग्राम पर सिर्फ एक क्लिक में हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारा मतलब यहाँ पर लोग आते हैं इन चीजों को डाउनलोड करने में, तो इस चीज में ज्यादा प्रॉफिट है, कम समय में आपका चैनल ग्रो भी हो जाएगा अगर आप इस टाइप का चैनल बनाते हो मूवीज वगैरह डाउनलोडिंग का, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई इस कैटेगरी पर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने भाई चैनल बना रखे, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो देखो जिस मतलब कैटेगरी पर ट्राफिक ज्यादा होता है वहां पर आपको कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कॉन्टेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे अगर आप बेटर वे में वर्क करोगे तो आप जल्दी ग्रो कर जाओगे, लोग आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज तो छोड़ दो कि भाई इतने में हम जाएंगे तो भाई हमारा क्या होगा, आपका जरूर होगा अगर आप सभी लोग सही से काम करोगे, और वो तरीके मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप इस टाइप का कैटेगरी का बना सकते हो। अब बात करते हैं कि आपने ये मूवीज वगैरह डाउनलोडिंग का चैनल बना लिया, तो इस पर आप सभी लोग को एग्जैक्टली वो मूवीज किस तरीके से डालनी है, फिर लिंक्स किस तरीके से डालने हैं। तो देखो जो मोस्ट पॉपुलर चैनल्स है, ठीक है, जो कि 100% जेन्युइन सही जो लिंक्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको क्या करना है कि इनिशियल डेज में क्योंकि आपका चैनल नया है तो आपको वहां पर अर्निंग करने की बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आपको जो मूवीज वगैरह के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स है वो डाउनलोड लिंक्स आपको डायरेक्टली शेयर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो लिंक होते हैं उस लिंक को शॉर्ट करके डालते हैं जिससे कि यूजर डाउनलोड नहीं कर पाते, इधर उधर घूम के परेशान होकर भी बैठ जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड लिंक डालोगे तो इससे आपको काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, और आप पर लोग आप पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट भी करेंगे, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आप ये डाउनलोड लिंक्स लाओगे कहां से, तो जो पॉपुलर चैनल्स है टेलीग्राम पर बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, तो वो लोग जो भी लिंक शॉर्ट करके डाउनलोड लिंक डालते हैं
आपको जाना है भाई जो मेन डाउनलोड लिंक है उस डाउनलोड लिंक को कॉपी करके अपने चैनल पर आप सभी लोग को डाल देना है। तो ये एक बढ़िया तरीका है जो कि मैंने आप सभी लोग को समझा दिया, कैटेगरी भी बता दी, आपको काम किस तरीके से करना है वो चीज़ भी मैंने आप सभी लोग को बता दी। तो अब मैं आप सभी लोग को बताता हूँ कि टेलीग्राम पर चैनल आप सभी लोग को किस तरीके से बनाना है, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उस चैनल को आपको ग्रो किस तरीके से करना है। बहुत सारी टिप्स आप सभी लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग को करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम का जो ऐप है इस ऐप को आप सभी लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारे डायरेक्ट जो है मतलब अलग अलग चीजें शेयर करता रहता हूं, मतलब कोई प्रीमियम थीम वगैरह हो गई तो वो चीज मैं डालता रहता हूं, तो इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो अब आपको करना कुछ नहीं, देखो चैनल बनाना सभी को आता है, यहां पर तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है, न्यू चैनल पर क्लिक करना है, लेकिन यहां पर आप सभी लोग को थोड़ा सा यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि जब एक यूजर आएगा उसको कोई मूवी डाउनलोड करनी होगी तो वो टेलीग्राम पर आकर क्या सर्च करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग चैनल नेम पर अपना नाम डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देते हैं, उसके बाद जो टेलीग्राम का लिंक होता है उसमें भी कुछ भी डाल देते हैं, तो वो चीज बिल्कुल ही गलत होती है। अगर आपको अर्निंग करनी है तो यहां पर आप सभी लोग को कीवर्ड्स के साथ खेलना होगा। तो यहां पर मान लो आप लेटेस्ट मूवी डाउनलोड से रिलेटेड चैनल बनाना चाहते हो, तो जैसे मान लो कोई नया यूजर आएगा तो वो यही सर्च करेगा ना, लेटेस्ट मूवी डाउनलोड इन HD 2020 बॉलीवुड लेटेस्ट मूवी डाउनलोड, तो इनको ही आपको कीवर्ड के रूप में यहां पर डालना है। जैसे गाइस यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो मैंने चैनल का जो नाम था वो दे दिया लेटेस्ट हिंदी मूवी डाउनलोड, जो कि पूरा का पूरा एक कीवर्ड है। अब इन कीवर्ड को लगाने का मतलब यही है कि ये जो टेलीग्राम चैनल होता है ये भाई आपका गूगल पर भी रैंक करता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो मैंने गूगल पर आकर सर्च किया टेक भावेश वाईटी, जो कि मेरी वेबसाइट वगैरह है, तो यहां पर देख सकते हो टेक भावेश वाईटी करके जितने भी सोशल मीडिया के मतलब प्लेटफॉर्म पर यहां पर जो अकाउंट से वो सारे आ गए, और यहां पर टॉप पोजीशन पर टेलीग्राम का भी आप सभी लोग देख सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप सभी लोग जो मेन कीवर्ड है जो कि गूगल पर सर्च किया जाता है उसको अपने टेलीग्राम का यहां पर जो लिंक है उसमें मतलब लगा दोगे, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो ये टेलीग्राम चैनल है ये गूगल सर्च में भी आए, और इस चीज से आपका जो चैनल होगा जल्दी से जल्दी ग्रो होगा। टाइटल आपने डाल दिया कीवर्ड, उसके बाद आप सभी लोग को यहां पर भाई इतना खतरनाक तरीके से डिस्क्रिप्शन डालना है ताकि जब एक बार यूजर को टाइटल दिख जाए तो डिस्क्रिप्शन जैसे देख सकते हो डाउनलोड लेटेस्ट हिंदी मूवी इन HD मैंने लगा दिया। HD में मैंने सारी की सारी क्वालिटी बता दी, किसी को अगर मतलब बीच की क्वालिटी मतलब डाउनलोड करनी है 360p तो वो कर सकता है, HD करनी है तो 720p में कर सकता है, उससे और गारंटी करनी है। ये सिर्फ लिखने के लिए है, बाकी इससे क्या है कि ताकि यूजर एक बार आपके चैनल पर आए इसके बाद जो भी चैनल का लोगो है वो आप सभी लोग को लगा देना है। अब यहां पर आता है मेन चीज, बहुत सारे लोग अपने चैनल को प्राइवेट बना देते हैं तो आपको पब्लिक करना है ताकि लोग आपके चैनल को ज्वाइन कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर परमा लिंक पर आप सभी लोग को वो कीवर्ड पर्टिकुलर टाइप करना है ताकि सर्च में भी आए, तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि हमको लेटेस्ट मूवीज से रिलेटेड कोई मिल जाए। जैसे गाइस यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो लेटेस्ट हिंदी मूवीज ये करके मुझे कीवर्ड मिल गया। अब ये कीवर्ड यहाँ पर मतलब जो है पहले से किसी और ने ले रखा था तो मैंने यहाँ पर 99 लगा दिया, इससे कि ये चीज अवेलेबल हो गई, अब हमारा कीवर्ड भी इसमें आ गया है। तो यहाँ पर भाई आप सभी लोग देख सकते हो हमारा चैनल प्रॉपर क्रिएट हो गया है। इस तरीके से आप सभी लोग प्रॉपर वे मैंने आप सभी लोग को बता दिया कि आप अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन चैनल बनाने के बाद आप सभी लोगों ने पोस्ट वगैरह भी डाल दी, मूवीज के लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दिए आप सभी लोगों ने, तो अब बात आती है कि क्योंकि उस चैनल पर आपके सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो व्यूज नहीं आएगी और आपकी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो उस चैनल को आप सभी लोग को बूस्ट किस तरीके से करना है, ग्रो किस तरीके से करना है, चलिए उसके बारे में मैं आप सभी लोग को अपनी कुछ पर्सनल टिप्स बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो मेथड आता है टेलीग्राम चैनल को ग्रो करने का वो आता है फ्री प्रमोशन करके। अब आप बोलोगे कि भाई हम हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री में किस तरीके से प्रमोट करें, कहाँ पर प्रमोट करें, तो देखो एक चीज मैं आप सभी लोग को बताता हूँ, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि भाई यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पर आप सभी लोग प्रमोट कर सकते हो, और आपके जो दोस्त लोग फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आप सभी लोग प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि मूवीज वगैरह सभी लोग देखते हैं, कोई मतलब ऐसा कोई मतलब वहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि ये बंदा मूवी नहीं देखता। तो सबसे पहला तो आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना है, उसके बाद आप सभी लोग आता है सो मेन प्लेटफॉर्म है वो आता है भाई यहाँ पर फेसबुक।
फेसबुक पर आप सभी लोग को बहुत सारे यहाँ पर मतलब जो है ग्रुप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अनलिमिटेड आपको जितने भी हो सके 100-200 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। जब भी आप अपने टेलीग्राम चैनल पर कोई भी न्यू मूवी का डाउनलोड लिंक डालो तो वो चीज़ का थोड़ा पोस्टर वोस्टर बना के आपको अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स में उस चीज़ को शेयर कर देना है कि उस मूवी को डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल शेयर करो। तो इस तरीके से आपका जो मतलब चैनल होगा, जो आपका ब्रांड नेम चैनल होगा, वो भाई लोगों तक जाएगा, उसके इंप्रेशन जाएंगे, तो लोगों को भी भाई पता चलेगा कि ये बढ़िया चैनल है जहाँ पर भाई अच्छे से हम जो है मूवी वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है YouTube। अब YouTube पर आप सभी लोग अपने टेलीग्राम चैनल का रिव्यू वगैरह का वीडियो बनाकर डाल सकते हो। जैसे मान लो कोई लेटेस्ट मूवी आई तो लेटेस्ट मूवी का आप सभी लोग एक छोटा सा वीडियो बना सकते हो कि भाई इस मूवी को किस तरीके से डाउनलोड करें, इस पर एक वीडियो बनाकर आपने डाल दिया कि इस चैनल पर जाओ, इस चैनल को ज्वाइन करो और यहाँ पर ये डाउनलोड लिंक है, और इस टाइम पर जो लेटेस्ट मूवीज होती है उन पर यूट्यूब पर वीडियो बनाओगे तो जल्दी से आपके वीडियो पर व्यूज भी आएंगे। हालांकि 4-5 दिन के बाद आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जितने भी व्यूज आएंगे वो बंदे आपके चैनल को ग्रो कर मतलब जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो ये तो रही फ्री प्रमोशन करके आप सभी लोग चैनल को ग्रो करा सकते हो। अगर आपको भाई इतनी ही मतलब जल्दी है, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी चैनल ग्रो हो जाए, तो फिर आता है यहाँ पर पेड प्रमोशन करना। आप जो अलग अलग फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स पर आप सभी लोग पेड प्रमोशन करा सकते हो। लोगों को 100-200-300 रुपए देकर प्रमोशन करा लो और ये जितने भी सब्सक्राइबर हो ज्वाइन करवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है कि टेलीग्राम पर ही आपके कैटेगरी के मूवीज डाउनलोडिंग के बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स मिल जाएंगे, तो उस चैनल से आप सभी लोग कॉन्टैक्ट करके उनको बोल सकते हो कि हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, हम आपको इतना अमाउंट दे देंगे। तो इस तरीके से पेड प्रमोशन करके भी आप सभी लोग अपने टेलीग्राम पर सब्सक्राइबर को जोड़ सकते हो। ये था वीडियो, होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप सभी लोग को अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर देना। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर दे और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही लेजिट कंटेंट मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पर शेयर कर देता हूँ। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।